last lecture we have discussed about the rational number, how to find the decimal expansions and how to convert the rational number from the decimal number. Today we discussed the interesting examples, like a story, some examples. Let us see the first example. Check whether 6 raised to n can tens with 0 for any natural number n. ये एग्जाम्पल ऐसा बोल रहा है कि हमको फॉर एग्जाम्पल मैं एन इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर रखूं तो वो जो नंबर आना चाहिए वो नंबर के एंड्स के ऊपर उसका जीरो होगा, ऐसा मुझे फाइंड करना है. दैट मींस यहां पे सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या करना है, चेक वेदर 6 रेज़ टू n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. दैट मींस जो नंबर है इसके पीछे जीरो होगा वो किससे डिविजिबल होगा वो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना होगा. देट मीन्स वी कैन राइट अ नंबर एंड्स विथ जीरो इज डिविजिबल बाय 10. 10 से डिविजिबल. फॉर एग्जांपल मैं 20 ले लू तो 20 के एंड में क्या है, जीरो है. That means 4, 10 से divisible है, 10 जा 20, same 30, 40, 50. मान लो कि जो number 10 से divisible है, वो ही number 10 के अगर मैं factorization find करूँ, prime factorization, वो क्या होगा? 5 and 2, वो उससे भी divisible by divisible ही होगा. That means, therefore, a number ends with 0 is divisible by 2 and 5. मैं यहां पे रीजन दिखा देता हूं, बिकॉज 10 इक्वल टू 2 इंटू 5. अब मुझे वो ये बताना है कि 6 रेज़ टू n वाले जो नंबर है वो सभी नंबर के एंड में जीरो आता है. दैट मींस कि 6 रेज़ टू n का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसमें क्या आना चाहिए, 2 and 5. दैट इज कॉमन फैक्टर आने चाहिए 2 and 5. That means I can write 6 raised to n have common prime factor 2 and 5. But I can write 6 raised to n equal to, इसका मैं prime factorization करूँ, 2 into 3 raised to n. That means we can write 2 raised to n into 3 raised to n. यहाँ पे देखिए 2 है common पर 5 common नहीं है. That means we can write therefore there is no common factor in 6 raised to n. क्यों नहीं है, यहाँ पे 0 से डिविजिबल होता है, दैट मींस 10 से डिविजिबल होता है. सो 10 से डिविजिबल होता है तो 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. सेम वे 6 रेज़ टू n है, इसको 2 रेज़ टू n, 3 रेज़ टू n लिख सकता हूं. दैट मींस अगर ये नंबर 0 से n होगा तो इसमें ऐसा हो सकता था 2 रेज़ टू n * 5 रेज़ टू n आ सकता था, पर यहां पे क्या है 2 रेज़ टू n ही आता है, 3 रेज़ टू n नहीं आता है. दैट मींस देयरफॉर 6 रेज़ टू n cannot end with 0 for any natural number n. फिर से मुझे क्या पता करना है, अगर आपको यहां पे कोई भी नंबर दे देते, फॉर एग्जांपल 6 रेज़ टू n की जगह आपको दे दिया 10 रेज़ टू n, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जिससे जो नंबर आना है उसका वो किस नंबर से डिविजिबल होता है वो बताना है. फॉर एग्जांपल जो नंबर के एंड में जीरो आता है वो ऑलवेज 10 से डिविजिबल होता है. अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी डिविजिबल होना चाहिए. दैट मींस कि अ नंबर एंड्स विद 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5. अब ये 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए. दैट मींस कि 6 रेज़ टू n हैव कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें क्या होने चाहिए, 2 एंड 5 होने चाहिए. पर यहां पे देखिए 6 रेज़ टू n इक्वल टू 2 * 3 रेज़ टू n, दैट मींस 2 रेज़ टू n, 3 रेज़ टू n, दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ
5 raised to n, 5 raised to n वाला 5 वाला टर्म ही है, नहीं है 5 वाला टर्म है ही नहीं, तो मुझे इस तरह पता चल सकता है कि दोनों होते तो ये फैक्टर मिलते, पर दो यहां पे नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म मिलते, 5 वाले टर्म आदि नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 6 raised to n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. Let us see the another example, friends. Example 2 says that find the largest number which divides 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case. That means हमको क्या find करना है? कि हमको एक ऐसा largest number find करना है, जो अगर मैं 245 को से divide करूं, या तो 1029 से divide करूं, तो दोनों केस में मुझे remainder क्या मिलनी चाहिए? 5 मिलनी चाहिए. That means it is given there. It is given that, क्या दिया है, a largest number, a largest number which divides 245 and 1029 and leaving remainder remainder 5. इसका मतलब क्या हो, अगर मैं इसमें से और इसमें से जो remainder है वो निकाल लूं, तो मुझे दोनों में जो number मिलते हैं उसमें दोनों में common factor मिलेंगे. That means, it means that क्या हुआ, 245 minus 5, that means 240 and 1029 minus 5 equal to 1024, ये दोनों को have common prime factor. Okay, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों नंबर लेने हैं, ये दोनों नंबर का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें मुझे प्राइम फैक्टर मिलेगा. मुझे क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, लार्जेस्ट नंबर एक में दैट इज दोनों में से कॉमन नंबर मुझे निकालना है, क्योंकि दोनों के रिमाइंडर क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई आई हैव टू फाइंड एचसीएफ. मुझे ये दोनों नंबर के एचसीएफ फाइंड करने होंगे, और ये जो हमारा जो एचसीएफ आने वाला है गाइस, वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा. तो वी हैव टू फाइंड HCF किसका 240 एंड 1024 का, और जो HCF आने वाला है वही हमारा प्राइम फैक्टर होगा. सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेके ही आपको ये HCF फाइंड करना. अब याद कीजिए, यूक्लिड्स एल्गोरिथम में क्या करते थे, हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या, a इक्वल टू qb प्लस r, ठीक है. अब a मुझे क्या लेना पड़ेगा, a इक्वल टू बड़ा वाला नंबर दैट इज 1024, b इक्वल टू 240, ठीक है. सो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1024 इक्वल टू 240 into क्या लेना पड़ेगा, 240 into 4, that means मुझे मिलेगा क्या, 4 4 4 16, so मुझे मिलेगा यहाँ पे 64, ठीक है. अब हमारा remainder 0 नहीं है, that means 240 यहाँ पे आएगा, 64 यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो 190 टू 64 क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 3 4 जा 12, ये मिलेगा 12 1 192, ठीक है. 192 में से ये बात करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 240 की मुकर दो, that means 8
48। अब 64 यहां पे आया, 48 इंटू कितने करेंगे, 2 तो आएगा ना, दैट मीन्स 1 प्लस क्या आएगा, कितना बचेगा 16। अब 48 इक्वल 16 इंटू 3 प्लस 0, हमारा HCF क्या, दैट मीन्स HCF ऑफ 1024 एंड 240 इक्वल टू 16। तो हमारा ये नंबर मिला। आपको यही करना है, रिमाइंडर में से जो नंबर दिया गया है वो बात कर लो, जितनी रिमाइंडर दी है, फिर जो नंबर आया उसका आप HCF फाइंड करो, जो HCF मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज 16। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर मिला वो क्या मिला, 60 मिला। हर एक एग्जांपल में मान लो दो नंबर दिए तो दोनों के दोनों अलग अलग रिमाइंडर देते, तो अलग अलग रिमाइंडर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और जो नंबर आता है उसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तभी आपका आंसर मिलेगा। ओके, अनदर एग्जांपल इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी वाइज 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, आगे के एग्जांपल में दो नंबर दिया गया था और दोनों के दोनों की रिमाइंडर क्या मिलती थी, सेम मिलती थी। यहां पे तीन नंबर दिए गए, तीनों के तीनों की जो रिमाइंडर है मुझे अलग-अलग मिल रही है, दैट मींस वी कैन से हियर गिवन, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड नंबर divides 398, 436 and 542 and leaving remainder consequence 7, 11 and 15. That means 398 minus 7 equal to 391, 436 minus 11 425 and 542 minus 15 527। ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा बाय किसके साथ, जो हमारा नंबर है उससे। अगर दैट मींस ये तीनों नंबर है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर से डिविजिबल होने वाले, इसका मतलब ये होगा कि तीनों के तीनों का जो फैक्टराइजेशन मुझे मिलने वाला है उसको कॉमन फैक्टर मिलेंगे। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर दे। दैट मींस लेट अस फाइंड एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। फिर से बता दूं फ्रेंड्स, आपको एचसीएफ रिमाइंडर में से जो नंबर, जो आपको वैल्यू दी गई वो सब्सट्रैक्ट करके जो हम नंबर्स मिले, डिजिट्स मिले उसका फाइंड करना है, नहीं कि जो नंबर दिया गया। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली जो नंबर दिया गया उसका एचसीएफ फाइंड कर देते, पर यहां पे हमको जो रिमाइंडर में से सब्सट्रैक्ट करके नंबर मिलते उसका एचसीएफ आपको फाइंड करोगे तब आपका वैल्यू मिलेगा। दैट मींस एचसीएफ मुझे फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ तीनों के तीनों आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम से भी कर सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कर सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम में बोला गया है कि एचसीएफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हिसाब से करो तो यहां पे आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम ही अप्लाई करना है। यहां पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात जाऊंगा, 391 जो है वो होता है 17 × 23 अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब। बाद में है 425, दैट मींस 5 × 5 × 17 एंड लास्ट में है
जो है 527 वो होता है, अगर मुझे करना होता तो ऐसा करते 17 into 31, ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो ऐसे। अगर मैं मान लो 425 का करूं तो 5 क्या आएगा, 5 8 40 5 70 70, इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते। अब एचसीएल का मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन कौन सी चीज दिख रही है, ये देखो ये बंदा है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दैट मींस हमारा जो एचसीएफ मिला एचसीएफ किसका 391 425 एंड 527 का क्या मिला 70, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 70। ठीक है तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको 4 नंबर दिए गए और 4 रिमाइंडर अलग अलग दिए गए, तो अलग अलग से आपको वो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने, बिल्कुल ये मेथड सेम है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो नंबर दिए गए इसमें से आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको नंबर मिलते हैं उसका एचसीएफ फाइंड कर लो, एचसीएफ फाइंड करोगे वही आपका जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर वही आपका आंसर है। ये हमारा तीसरा एग्जांपल हुआ, लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 की ओर जाते हैं। वो एग्जांपल जो होने वाला है वो ये एग्जांपल की मेथड से अलग होगा, सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4, लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, find the greatest number of 7 digits which is exactly divisible by 12 15 and 21। friends हमको 7 digit का ऐसा number चाहिए जो 12 15 and 21 से divisible हो, that means first of all मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये तीनों का मुझे LCM find करना पड़ेगा by using prime factorization method से, so first let us find LCM of 12, 15, 21 by using prime factorization method. Okay, friends, let us find first of all 12 can be written as 3 into 2 into 2, 15 can be written as 3 into 5. 21 can be written as 3 into 7. So LCM of 12, 15 and 21 equal to 3 into 2 into 2 into 5 into 7. That means LCM मुझे मिलेगा 420. ये मेरा LCM हुआ। ये 420 मेरा LCM है। But मैं फिर से आपको remind कर रहा हूँ कि वो LCM आया कैसे? So 12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 into 1 2 raise to 2, इसको मैं पावर देता हूँ 3 raise to 1 5 raise to 1, इसको मैं भी पावर देता हूँ 3 raise to 1 7 raise to 1। अब फ्रेंड्स सभी नंबर आएंगे पर सभी नंबर के मैक्सिमम पावर मुझे लेने हैं, दैट इज 3 का मैक्सिमम पावर तीनों में से क्या है 1, सो मैंने यहाँ पे 3 लिया। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तीनों में से 2 का मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर है तो 2 into 2, 5 का 1 पावर है 7 का 1 पावर है, दैट मींस वी गेट द एलसीएम 420। अब मुझे 7 डिजिट का जो नंबर फाइंड करना है वो 7 डिजिट का नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एलसीएम के साथ कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एलसीएम है उसके साथ मैं कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, जो ये जो नंबर मुझे मिलने वाला है वो हमारा 7 डिजिट का नंबर होगा, तो वो नंबर कैसा होगा, कौन सा नंबर होगा जिसको मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले फ्रेंड्स हमको पता है कि 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है 999999, ओके सो यहां पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वी वांट टू 7 डिजिट नंबर, वी वांट टू 7 डिजिट नंबर, कौन सा नंबर, जो नंबर है वो मुझे 420 से मल्टीप्लाई करना पड़े, दैट मींस वी मस्ट मल्टीप्लाई अ नंबर विथ
420 के साथ मुझे वे नंबर मल्टीप्लाई करना है तभी हमको 7 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फाइंड जो मुझे नंबर मिला है उसको क्या करना पड़ेगा, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर के साथ उसको पहले मैं डिवाइड करता हूं। सो डिवाइड 420 बाय लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999999, इसके साथ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और किसके लिए, मुझे जो नंबर चाहिए ये नंबर के लिए, ये नंबर मुझे पाने के लिए उसको ये करना पड़ेगा। दैट मीन्स 9999 डिवाइडेड बाय 420, तब जो मुझे नंबर मिलने वाला है वो ऐसा होगा 2380952214, ऐसा नंबर मुझे मिलने वाला है 2380952214। इसको अगर मैं राउंड अप करता हूं तो 2380। फ्रेंड्स ये जो नंबर मुझे मिला 2380 ये मुझे अब नंबर मिल गया जो 420 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 डिजिट का मुझे नंबर मिलेगा। दैट इज लेट सो मल्टीप्लाई 23809 एंड 420, ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 7 डिजिट का नंबर मिलेगा। दैट मीन्स 23809 इंटू 420 नंबर मिलने वाला है वो है 9999780। ये हमारा नंबर हुआ, ये जो लार्जेस्ट नंबर ये नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा और 21 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल कर सकते हो। फिर से आपको क्या करना है, पहले जो नंबर दिया गया है उसका एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो अगर मैं एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 डिजिट का नंबर मिलने वाला है। दैट मींस मुझे ये नंबर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो जितने डिजिट के नंबर मुझे यहाँ पे मांगे उतने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लो। यहाँ पे 7 डिजिट का मांगा है तो मैंने 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लिया और एलसीएम के साथ डिवाइड किया तो मुझे ये नंबर मिला, उसको मैंने राउंड अप किया तो मुझे ये नंबर मिला 2380। अब 2380 को एलसीएम के साथ, ये हमारा एलसीएम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 7 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप कोई भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कोई भी डिविजिबल बाय दे दिया गया हो ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ आप हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, साथ में ही हमारा ये यूनिट भी खत्म होता है। अगर आपको ये यूनिट में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।